साथ में चटनी बना रही हूँ, जिसको आप पकोड़ों के साथ, चिकन 65 के साथ या किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी होगी और बहुत अच्छी होगी, चटपटी है। आप ये रेसिपी जरूर देखें। ये मैं बनाने जा रही हूँ, और इसको बनाने के लिए 1 कप मैंने धनिया लिया है, इसको मैं काट लूंगी। धनिया मैंने, और आधा कप पुदीना, थोड़ा फ्ली काट ली, और इसको मैं डाल दूंगी इसमें। और इसमें लहसुन की कलियां, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्च, और नींबू का रस। इसको मैं थोड़ा बारीक बारीक काट लूंगी। काटने से थोड़ा अच्छे से पिस जाएगा, और मिर्च तोड़ के डाल दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, और नमक स्वाद अनुसार, या आधा चम्मच ही नमक है, और नींबू का रस डाल दूंगी मैं। नींबू का रस डाल लिया। अब इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद अब इसको मिक्सी को मैं, इसको जार को मैं इसमें लगा लूंगी। अब इसको मैं पीस लूंगी। ये चटनी हमारी बनके तैयार है। ये चटनी कितनी अच्छी बनी है, और इसमें नींबू डालने से इसका रंग भी अच्छा रहता है हरा। बिना नींबू के काली पड़ जाती है चटनी, और ये 2-3 दिन तक ऐसे ही हरा रंग रहेगा, और स्वाद भी अच्छा रहता है खट्टा, तो नींबू जरूर डालें। ये चटनी बनाकर आप फ्रीज में 3-4 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और जब आपका मन करे पकौड़े किसी चीज के भी साथ आप खा सकते हैं।